हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये टेढ़े मेढ़े का भेल। ये 5 मिनट में बन जाती है। वैसे तो टेढ़े मेढ़े अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन क्यों ना आज इसे अलग सा रूप देते हैं। तो आज इसे भेल के रूप में बनाते हैं और खाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। केवल 5 मिनट निकालिए और फटाफट से इसे बनाइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर टेढ़े मेढ़े का भेल बना रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह कुरकुरे का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देखने में एक ही तरीके का है। तो सबसे पहले इसे कट कर लेना है, इसको नेक्स्ट बॉल प्लेट में निकाल देते हैं। अब इसमें डालूंगी एक बारीक कटा हुआ टमाटर, एक बारीक कटा हुआ बॉयल पोटैटो, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक बारीक कटा हुआ प्याज, नमक स्वादानुसार, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1/4 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और ये इमली का पल्प लगभग 1 टीस्पून के करीब। इसे डाल के अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अब इसे मिक्स करने के बाद आपका कुरकुरे भेल बनकर तैयार है। तो अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा डिलीशियस सा कुरकुरे भेल बनकर तैयार है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी हुई है। तो आप इसे ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 5 मिनट में बनने वाली कुरकुरे भेल खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।